पिछले 2 दिनों से तेज बारिश व पहाड़ों पर बर्फबारी होने से जहां किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है, वहीं चंगरधार क्षेत्र के तिनवड़ व आसपास के क्षेत्रों में बिजली गुल होने से लोगों की नींद खराब हो गई है। बताते चलें कि क्षेत्र में पिछले करीब 24 घंटों से बिजली को लेकर लोग परेशान हैं। 2 रातें लोगों ने करवटें बदलते बदलते गुजार ली हैं, किंतु आज दिन में फिर से ट्रांसफार्मर में सुधार का कार्य चल रहा है, जिस कारण आज दिन में भी बिजली बंद है। अभी भी ट्रांसफार्मर में पूर्ण सुधार नहीं हो सका। बिजली नहीं होने के चलते बैंकिंग व्यवस्था भी चरमरा गई है। कार्यालयों के कंप्यूटर ठप हैं, इन्वर्टर ने भी काम करना बंद कर दिया है। मार्केट में दुकानदारों को भी प्रभावित होना पड़ रहा है। अधिकांश लोगों के मोबाइल डिस्चार्ज हो गए हैं, जिससे वे एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। विगत 2 दिनों से बिजली न आने से लोग परेशान हैं। वहीं विभागीय कनिष्ठ अभियंता रमेश चंद ने बताया कि तेज बारिश व आंधी के चलते आकाशीय बिजली गिरने के कारण विद्युत ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और फॉल्ट को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही बिजली की आपूर्ति नियमित हो जाएगी। बंद है लाइट, दुकानों में सारा सामान खराब हो गया और पूरी 2 दिन से जो है बिजली बिल्कुल बंद पड़ी हुई, थप्पड़ हुआ, ब्लैक लाइट, काम धंधा सारा बंद पड़ा हुआ।